ऑप्शंस में एडजस्टमेंट करने का सबसे सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑप्शंस को एडजस्ट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग द ट्रेड। तो ये ब्रेकिंग द ट्रेड क्या मेथड है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस को एडजस्ट करने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ट्रेड को ब्रेक कैसे करते हैं और ये क्यों इतना इफेक्टिव वे है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूँ ऑप्शन की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन सिमुलेटर को और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेड को ब्रेक करके। तो देखिए, पिछला मंथ जो गया है वो है जून सीरीज और जून सीरीज में मार्केट काफी गिरा था, तो वो एक बढ़िया एग्जांपल होगा। तो वहां पे मैं आपको एक पुट ऑप्शन को सेल करके दिखाऊंगा कि आपको उसमें हैवी लॉसेज हुए होंगे तो उनको आपको एडजस्ट कैसे करना है। तो देखिए, मैं इसको सेट कर लेता हूं। 1 जून को मान लीजिए मैं ट्रेड लेता हूं और 30 जून को एक्सपायरी थी। तो 1 जून को मार्केट कहां पे था, निफ्टी थी 16,642 पे, मतलब 16,650 था वो, एट द मनी का लेवल था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा जिसका डेल्टा 15 से 20 हो या प्रीमियम 100 हो। तो मान लीजिए मैं 100 के प्रीमियम को सेल करता हूं तो निफ्टी है 16,642 पे, 16,650 है ये एट द मनी का लेवल है, ये एट द मनी है और यहां से नीचे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि 100 का प्रीमियम कहां पे है, उसको मैं सेल करूंगा। तो नीचे मैं जाता हूं और देखिए 15,800 का जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 105 रुपीज और इसका डेल्टा है 19, तो इसका मैं एक लोट सेल कर देता हूं। आपको 15 से 20 का डेल्टा सेल करना है या 100 रुपीज का प्रीमियम सेल करना है। तो ये मैंने सेल कर दिया और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 5,300 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ऊपर मुझे हर जगह प्रॉफिट है और नीचे की तरफ मेरा अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन वो लॉस कहाँ आना शुरू होगा, 15,700। अगर मार्केट 15,700 के नीचे जाता है देन मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, 15,800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक दिन करके आगे चल के दिखाता हूँ, क्योंकि जून में मार्केट तेजी से गिरा था तो ये जो ऑप्शन आपने सेल किया है इसमें आपको हैवी लॉसेज हुए होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको एडजस्ट कैसे करना है, आपको ट्रेड को ब्रेक कैसे करना है। ब्रेकिंग द ट्रेड आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो है ब्रेकिंग द ट्रेड। तो ट्रेड को ब्रेक कैसे करना है उसको आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, मार्केट है 16,600 पे, तो मैं एक दिन आगे चलता हूं और देखता हूं अगले दिन मार्केट में क्या होता है। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा नीचे आता है और मुझे लॉस हो रहा है 1,300 रुपीज का। नेक्स्ट डे देखता हूं मैं, अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है और मुझे 1,600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मार्केट वापस नीचे आता है, मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट वहीं पे है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मुझे 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगले दिन मार्केट फिर से वहीं पे है, मुझे 300 रुपीज का लॉस हो रहा है। देखिए, मुझे ट्रेड को ब्रेक कब करना है, जब मैंने जो ऑप्शन सेल किया है, जो स्ट्राइक मैंने सेल की है वो एट द मनी हो जाए। जब तक वो एट द मनी नहीं होता है तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने 15,800 का पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट है 16,400 पे। तो मैं इस ट्रेड में एडजस्टमेंट कब करूंगा, मैं इस ट्रेड को ब्रेक कब करूंगा, जब 15,800 जो मैंने सेल किया है ये एट द मनी हो जाए। मतलब 16,400 से मार्केट गिर के अगर 15,800 पे आता है देन आई विल ब्रेक द ट्रेड। और इस मंथ में मार्केट तेजी से गिरा है, दैट मीन्स मार्केट वहां पे आएगा। तो जब मार्केट 15,800 पे आएगा वहां पे मैं ट्रेड को ब्रेक करूंगा। तो अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अगले दिन मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे आता है और मेरा लॉस हो रहा है 700 रुपीज का। उससे नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट जहां पे है वहीं पे है, मुझे 300 रुपीज का लॉस हो रहा है। उससे अगले दिन देखिए, मार्केट में 500 पॉइंट्स की गिरावट आई है, मार्केट 500 पॉइंट गिरा है और मार्केट कहां पे आ गया है, 15,850 पे आ गया है। और मैंने कौन सा स्ट्राइक सेल कर रखा है, 15,800 का। और ये जो 15,848 है ये फ्यूचर का लेवल है। अगर निफ्टी का स्पोर्ट आप देखेंगे तो निफ्टी का स्पोर्ट है 15,817, मतलब ऑलमोस्ट 15,800 पे निफ्टी आ गया है। तो अब देखिए, मेरा जो स्ट्राइक जो मैंने सेल कर रखा है वो एट द मनी हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा, यहाँ पे अब मैं इस ट्रेड को ब्रेक करूंगा। तो ट्रेड को ब्रेक कैसे करना है उसको आप समझिए। तो देखिए, जो ऑप्शन मैंने सेल किया था, मैंने 15,800 का पुट ऑप्शन 105 रुपीज में सेल किया था, वो अब कितना हो गया, 277 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रेड को ब्रेक कर दूंगा एक कॉल और एक पुट में। और ब्रेक इस तरह से करूंगा कि जो प्रीमियम मैं रिसीव करूं कॉल और पुट सेल करके वो 277 रुपीज से ज्यादा हो। तो देखिए, यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, जो अब 277 रुपीज का हो चुका है। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा और अब मुझे ये 277 रुपीज मार्केट से कलेक्ट करने हैं,
लेकिन एक कॉल और पुट बेच के। इस ऑप्शन में मैं एग्जिट इसीलिए हुआ हूं क्योंकि इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं एक कॉल और एक पुट में। तो 277 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आता 140 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, एक 140 रुपीज का जहां पे प्रीमियम ट्रेड हो रहा होगा पुट साइड में वो ऑप्शन सेल करूंगा, और एक 140 रुपीज का प्रीमियम जहां पे ट्रेड हो रहा होगा कॉल साइड में वो सेल करूंगा। तो आप देखिए मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं, और अब आप देखिए पुट साइड में देखिए 140 का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो पुट में आप देखिए 15400 का जो स्ट्राइक है उसका प्रीमियम है 140 रुपीज, तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। और इसी तरह से मैं कॉल साइड में जाऊंगा और यहां पे आप देखिए 140 का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है, 16200 है इसका ट्रेड हो रहा है 145 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो मैंने 145 रुपीज कलेक्ट कर लिए 16200 का कॉल ऑप्शन सेल करके, और 140 रुपीज मैंने कलेक्ट कर लिए 15400 का पुट ऑप्शन सेल करके। और अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट क्या बनता है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब देखिए मैं मार्केट के एकदम बीचों बीच आ गया हूँ, मेरे प्रॉफिटेबल रेंज के बीच में एकदम मार्केट इतना गिरने के बाद भी। इनिशियली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था, इनिशियली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 15700। अगर मार्केट 15700 के नीचे जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता, लेकिन अब मैंने मेरे ब्रेक इवन को और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है, 15286, ऑलमोस्ट मैंने 400 पॉइंट ब्रेक इवन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और ये शिफ्ट करने में मैंने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। इनिशियली मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 5300 रुपीज का, और अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5700 रुपीज का। मतलब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम नहीं हुआ है, वो 200-400 रुपए बढ़ा ही है। तो मैंने ना अपने प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस किया है और मैंने अपने ब्रेक इवन को भी 400 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, आपको फ्री में ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसको पूरे फोकस के साथ आप समझिए। तो मैंने अपने ब्रेक इवन को 400 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब मैं एक एक दिन करके आगे चलता हूं। तो अगले दिन मार्केट 100 रुपीज नीचे गिरता है और अब मुझे लॉस हो रहा है 8300 रुपीज का। उससे अगले दिन मैं देखता हूं क्या होता है, अगले दिन मार्केट में ज्यादा कुछ होता नहीं है, मार्केट वहीं पे है। यहां पे देखिए 17 जून को मार्केट गिरता है, मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिरता है और कहां पे आ गया, 15300 पे। और मैंने जो ऑप्शन सेल किया था वो था 15400 पॉइंट का, ये एक बड़ा गैप डाउन था। मैंने जो ऑप्शन सेल किया है उसको भी सरपास कर दिया है, लेकिन मेरा जो ब्रेक इवन है उसको नहीं तोड़ा है, लेकिन मेरे ब्रेक इवन पे आके खड़ा हो गया मार्केट। मेरा ब्रेक इवन क्या है, 15286, और मार्केट कहाँ पे है, 15318 पे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, ये जो 15400 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा, और उसको नीचे की तरफ अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे अपने प्रीमियम पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उस प्रीमियम को कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 16200 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप देखिए मैंने 15400 का पुट ऑप्शन जो सेल किया था 140 रुपीज में, वो अब हो गया 319 रुपीज का, और उसमें मुझे लॉस हो रहा है 8962 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा, मैं इसको 15300 पे ले जाऊंगा। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाता हूं, इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 319 रुपीज, तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं, और 15400 जिसमें से मैं एग्जिट हुआ हूं यहां पे, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा नीचे 15300 पे, जिसका प्रीमियम चल रहा है 273 रुपीज। तो मैंने कितना प्रीमियम सैक्रिफाइस कर दिया है, मैंने 319 रुपीज में एग्जिट किया और 273 रुपीज का प्रीमियम सेल किया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 4550 रुपीज का प्रीमियम सैक्रिफाइस कर दिया है। तो मैंने क्या किया, 15400 को शिफ्ट कर दिया 15300 पे। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ 16200 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था इसमें मुझे 6000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 16200 का कॉल ऑप्शन है ये अभी 24 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाता हूं। 16200 में मैं एग्जिट हो गया और इसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ हूँ, इसका प्रीमियम था 24 रुपीज, तो अब मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा। तो आप देखिए मैं इसको 15900 पे शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे 60 रुपीज का प्रीमियम है। 24 रुपीज पे मैं एग्जिट हुआ हूँ तो एटलीस्ट मैं 40 रुपीज तो कलेक्ट करूँ। तो मैंने 15900 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो मैंने 16200 को 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है, 15900 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। देखिए आपको मार्केट के बहुत ज्यादा नियर बाई भी नहीं आना है, ऐसा नहीं है कि मार्केट 15300 पे चला गया है
तो आप बहुत नीचे जाके थोड़ा ग्रीड दिखा के और 15500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो। आपको बहुत ज़्यादा नियर बाई नहीं आना मार्केट के, क्योंकि आपको मार्केट को स्पेस देनी है। अगर मार्केट वापस मुड़ गया तो आपने जो कॉल ऑप्शन सेल किया उसमें फिर आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो आपको मार्केट के बहुत ज़्यादा नियर नहीं आना है। मैंने 16200 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा था, उसको मैंने नीचे 15900 पे शिफ्ट किया है। वो भी मैं इतना पास इसलिए आया हूँ क्योंकि प्रीमियम नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे ग्रीड नहीं दिखाना है, मुझे और मार्केट के पास नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स हुआ तो मुझे लॉस हो सकता है। तो अब आप देखें मेरा पे ऑफ चार्ट क्या बन गया है। मैंने क्या किया, मैंने 15400 को नीचे शिफ्ट कर दिया 15300 पे, और 16200 के कॉल ऑप्शन को मैंने शिफ्ट कर दिया 15900 के कॉल पे। और अब मेरा पे ऑफ चार्ट आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने अपने ब्रेक इवन को और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है और 100 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है। मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है, 15200 पे। अगर 15200 के नीचे निफ्टी जाता है तो फिर मुझे और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए अगले दिन मार्केट में क्या होता है। और अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5200 रुपीज का। देखिए इनिशियली जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था, आप गौर से सुनिए, जब मैंने शुरू में ट्रेड को इनिशिएट किया था, मैंने 15800 का पुट ऑप्शन सेल किया था, तब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्कुल सेम था। तब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था 5300 रुपीज का, और अभी भी ऑलमोस्ट 5300 रुपीज का ही प्रॉफिट है। लेकिन मेरा ब्रेक इवन था शुरू में 15700। अगर मार्केट 15700 के नीचे जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता। और अब आप देखिए मेरा ब्रेक इवन क्या है नीचे की तरफ, 15200। मैंने अपने ब्रेक इवन को 500 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है और मेरा प्रॉफिट अभी भी उतना ही है जितना शुरू में था। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट शुरू में भी 5300 रुपीस का था और अब भी 5300 रुपीस का है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन 15700 से 15200 पे आ गया है। तो ये ब्यूटी है एक ट्रेड को ब्रेक करने की, इस एडजस्टमेंट की ये ब्यूटी है। तो अब मैं एक एक दिन करके आगे चलता हूँ, अगले दिन देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर मार्केट और नीचे जाता है, अगर मार्केट मेरे ब्रेक इवन को तोड़ देता है तो फिर मुझे और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मार्केट आ गया 15300 पे, अगले दिन देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगले दिन मार्केट ऊपर आता है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मार्केट ऊपर आया है और मुझे 4200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगले दिन मार्केट 15500 पे आ गया और मेरा लॉस है 2800 रुपीज़ का। और देखिए आप ये भी देखिए, हम लास्ट वीक में एंटर करने वाले हैं। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो लास्ट में गामा इफेक्ट आ जाता है, तो मैं लास्ट वीक में नॉर्मली एंटर नहीं करता हूं। तो अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अगले दिन मार्केट में बहुत कुछ खास होता नहीं है और मेरा लॉस है 2200 रुपीज़ का। नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट और मुझे 1800 रुपीस का लॉस हो रहा है। अब आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है, 16000 पे। अगर मार्केट इसी तरह से ऊपर जाता है और इसको तोड़ता है तो फिर मुझे अनलिमिटेड लॉस है, तो आपको उसकी भी टेक केयर करनी है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और ऊपर जाता है, मार्केट ऑलमोस्ट 15900 पे चला गया और मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है, 16000 पे। और अभी डेट क्या हो गया, 27th of June। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और मुझे 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट और नीचे आता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3800 रुपीज़ का। और आज क्या हो गया, 29th of June, मतलब एक दिन ही बचा एक्सपायरी में और मुझे यहाँ पे 3800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो चाहो तो आप इसको बुक भी कर सकते हो या आप एक दिन और वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है, मार्केट 15700 के आसपास है और एक दिन ही बचा है और आपका ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है वो 16000 का है और नीचे की तरफ ब्रेक इवन है वो 15200 का है। तो अगले दिन देखते हैं क्या होता है, अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2700 रुपीज़ का। अगर आप एक्सपायरी डे तक इस ट्रेड में रुकते हो तो आपको 2700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देखिए मार्केट आपके ट्रेड के कम्प्लीटली अगेंस्ट गया। जब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया उस टाइम पे निफ्टी कहाँ पे था, 16700 के आसपास था, और वहाँ से मार्केट गिरते गिरते कहाँ पे चला गया, 15300 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मार्केट गिरा है। लेकिन बावजूद उसके आपने इस फॉल को बहुत ब्यूटीफुली सेल किया और एक प्रॉफिट के साथ आप इस ट्रेड से निकले। अगर आप ट्रेड में कुछ भी नहीं करते तो जब मार्केट 15300 पे गया था उसमें आपको बहुत हैवी लॉस होता। तो ये है इफेक्टिवनेस इस तरीके की, आपको ट्रेड को ब्रेक करना आना चाहिए। जब आप ट्रेड को ब्रेक करते हो तो आप मार्केट को कुशन देते हो और आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे भी सैक्रिफाइस नहीं करते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।